हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मॉम्स एंड बेबी लाइफ चैनल और एज यू नो मैं हूं निहारिका। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है वो बहुत दिनों से आपको बेसब्री से इंतजार था। इस वीडियो के बारे में बहुत सारे कमेंट किए आपने मुझे, तो मैंने सोचा क्यों ना जो है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताया जाए, पूरा डिटेल में बताया जाए कैसे क्या है, कितने सारे टेस्ट होते हैं हमारी प्रेगनेंसी के दौरान और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि ये टेस्ट हमें क्या बताता है और ये टेस्ट क्यों होता है, कैसे होता है, वो सारी चीजें हम आपको इसमें पूरा आपको डिटेल से बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर देते हैं हम अल्ट्रासाउंड की। तो बहुत सारे लोग को ये भ्रम होता है कि अल्ट्रासाउंड मतलब बेबी के लिए थोड़ा रिस्क होता है, ऐसा वैसा दुनिया भर की बहुत सारी बातें बोलती है, लेकिन फ्रेंड्स ये मिथ है। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूं क्योंकि अल्ट्रासाउंड डिपेंड करता है कि वो आपकी बेबी की पोजीशन को बताता है। जैसे लास्ट में एक दो अल्ट्रासाउंड करवा देती है डॉक्टर 8th और 9th मंथ के जो है अंतराल, क्योंकि उनको थोड़ा सा ये चेक करना रहता है बच्चे ने नाल तो नहीं फंसाई है। तो कहीं ना कहीं इसमें डॉक्टर को कोई प्रॉफिट नहीं होता है। मैं आपको बता दूं कि पहले मुझे भी स्टार्टिंग में मेरे जो कुछ टेस्ट ऐसे थे जो 4000 के आसपास थे, तो मुझे लगता था कि हर बार जो है टेस्ट करना और ये जो टेस्ट है क्वाडोप्लर का जो टेस्ट है, ये मुझे लगा कि जो है कहीं ना कहीं इससे मनी वेस्ट होने का एक जरिया है जो भी है। बट लेकिन बाद में मुझे इस चीज को रियलाइज हुआ कि मैं गलत थी इसमें। मैंने खुद पे बहुत गिल्टी फील किया कि मैंने कहीं ना कहीं ये जो हमारी सोच थी वो गलत थी, मतलब डॉक्टर के लिए गलत थी। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये टेस्ट होता है, सारी टेस्ट में आपको बताऊंगी कितने अल्ट्रासाउंड जरूरी होते हैं और अगर उससे ज्यादा होते हैं तो वो क्यों जरूरी होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कब होता है। पहले सबसे पहले मंथ में अगर आपको ये पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो या डॉक्टर के पास जाते हो कंसल्ट करने के लिए जो भी है, तो डॉक्टर आपका वो खुद श्योर होने के लिए आपका जो है एक यूरिन टेस्ट रहेगा। ठीक है, और एक सीबीसी कराएगा और एक जो है उसी में उनको जो है पता चल जाता है कि आप प्रेग्नेंट हो या क्या हो। और कहीं अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपको किसी तरीके की कोई वीकनेस तो नहीं है, कोई मल्टीविटामिन्स की चीजें देंगी आपको और कैल्शियम की चीजें आपको देंगी। और सबसे ज्यादा जो आपको मैंने बताया था इसके पहले मेडिसिन जो है वो मेडिसिन आपकी रेगुलर चलती रहेगी। ठीक है, इसको फोलिक एसिड बोलते हैं। फोलिक एसिड एक्चुअली क्या होता है ना, बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए जो फोलिक एसिड होता है वो मैंने पूरी 9 मंथ खाया है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि डॉक्टर किसको किस मात्रा में देती है और देना जरूरी नहीं देना जरूरी है, वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड जो है आपका होगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब यानी दूसरे और तीसरा महीना कंप्लीट होने के थोड़ा पहले और दूसरे महीने के थोड़ा बाद। ठीक है, ये जो मैं बता रही हूं वो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूं। मोस्टली लोगों का ऐसा ही अल्ट्रासाउंड होता है क्योंकि फर्स्ट जो है ट्राइमेस्टर में बच्चे की जो धड़कन होती है वो आ जाती है, इसलिए बच्चे की धड़कन सुनना बहुत जरूरी होती है। अब मैं आपको बताती हूँ, कभी कभी ये होता है कि किसी तरीके की केमिकल प्रेगनेंसी, यानी बच्चा जो है कभी कभी क्या होता है कि नली में होता है। ठीक है, जैसे आपका जो है ये यूट्रस है। ठीक है, यूट्रस में क्या होता है कि जो है राइट और लेफ्ट दो जो है वो होती है, जैसे आप कैसे मैं आपको बताऊं, जैसे दो रास्ते होते हैं। ठीक है, कभी कभी एग राइट से आता है, कभी कभी जो एग होता है वो लेफ्ट से आता है। ठीक है, तो उस नली के दौरान जो वो नली होती है, तो कभी कभी बच्चा क्या होता है नली में ही फंस जाता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि बच्चे की ग्रोथ ही नहीं होती, क्योंकि आपको पता है उस नली में बच्चे की ग्रोथ नहीं होती है, बच्चे को एक प्रॉपर स्पेस चाहिए होता है। और अगर वो नली में होता है तो बच्चे की धड़कन नहीं बनती है और कहीं ना कहीं बच्चे का पूरा ग्रोथ ही नहीं होता है, तो उसको जो है अबॉर्शन ही करवाना पड़ता है या जो है डॉक्टर ऐसे करते हैं मेडिसिन के थ्रू हो जाता है तो ठीक है, वरना आपका वॉशिंग वगैरह करते हैं मेडिसिन देकर के या कुछ अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जो तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। पहला जो हमारा जो है अल्ट्रासाउंड होता है वो सिर्फ ये चेक करने के लिए होता है कि बच्चे की धड़कन आई है कि नहीं आई, बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर है कि नहीं है। ठीक है, वो वेट से भी बताते हैं डॉक्टर की कितने mg कितने क्या, फिर उसके बाद वेट बढ़ता चला जाता है कितने ग्राम कितने पाउंड। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि उससे डॉक्टर को ये पता लग जाता है कि हाँ इसकी ग्रोथ भी सही और बच्चा प्रॉपर उसी स्पेस में है जहां वो होना चाहिए। ठीक है, तो कभी कभी बच्चा राइट से आता है, कभी कभी लेफ्ट नली से आता है, डिपेंड करता है कि जो है क्या कहते हैं बच्चा कहां से आया। ठीक है, तो इसी से कभी कभी होता है ना, आप लोग बोलते हैं कि बच्चा राइट है बच्चा लेफ्ट है, ऐसे से बोलते हैं ना, तो वो यही रीजन होता है कि हमारी जो यूट्रस के पास में दो नलियां होती है। ठीक है, तो फर्स्ट जो स्कैनिंग जो आपका ये अल्ट्रासाउंड होगा बहुत नॉर्मल अल्ट्रासाउंड होगा और ये जो है सिर्फ और सिर्फ ये देखने के लिए बच्चे की धड़कन बनी है कि नहीं बनी है, साथ ही साथ ये देखने
देखने के लिए होता है कि जो है बच्चा बच्चे की ग्रोथ ठीक है नहीं ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है फिर आपका एक ब्लड टेस्ट होता है और यूरिन टेस्ट होता है, और डिपेंड करता है कि हर 2 महीने में या कभी कभी 1 मंथ में ही आपका जो है अल्ट्रासाउंड हो ही जाता है, सॉरी जो है आपका ये ब्लड टेस्ट जो CBC होता है वो हो ही जाता है। और ठीक है, और मोस्टली 3 अल्ट्रासाउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एक 3rd मंथ में, एक 6th मंथ में, एक 9th मंथ में, ठीक है। लेकिन उस दौरान अगर आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है, आपको किसी तरीके कोई चक्कर आता है, वीकनेस होता है, या कुछ ऐसा होता है कि आपको बेबी का मूवमेंट कम फील हो रहा हो, ठीक है, या आपको लग रहा हो बहुत ज्यादा अपना पेट हार्ड लग रहा हो, बहुत ज्यादा टाइट सा लग रहा हो, ठीक है, तो डॉक्टर फिर से प्रेफर करते हैं आपको जो है अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, ठीक है। तो जो सेकेंड अल्ट्रासाउंड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस अल्ट्रासाउंड में बच्चे के छोटे छोटे से हैंड, छोटे छोटे से सारी चीजें, मतलब बच्चों की पूरी ग्रोथ, एक पूरा प्रॉपर बेबी समझ में आने लगता है। तो इस वजह से ये वाला जो अल्ट्रासाउंड होता है थोड़ा बड़ा होता है, स्कैनिंग अल्ट्रासाउंड होता है, काफी बड़ा होता है, और इसमें जो है आप देख सकते हैं इसमें सब कुछ लिख के आता है जो है कि कितने mm का क्या है, ठीक है, कितने दिनों का बेबी है, कितने वीक में, कितने दिन की आपकी प्रेगनेंसी रहेगी, ठीक है, और फिटल हार्ट बीट कितनी है, यानी 166 जैसे आप देख सकते हैं अगर आपको दिख रहा हो तो सारी चीजें, हार्ट बीट वगैरह। और एक मिथ बहुत बड़ा है कि लड़कों की हार्ट बीट बहुत कम होती है, लड़कियों की हार्ट बीट बहुत ज्यादा होती है, बहुत सारे वीडियो मैंने देखे हैं ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बेबी बॉय हुआ था लेकिन उसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा थी, तो मैं इस चीज को पूरी तरीके से मिथ मानती हूँ। बाकी आप लोग वीडियो देख करके इंटरेस्ट लेते हैं इस चीज में तो ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैंने भी ऐसे वीडियो देखे थे तो मुझे भी ऐसे ही लग रहा था कि ऐसा ही होना है, और कहीं ना कहीं आप मन में कुछ और बनाते हैं और छवि फिर कुछ और होता है। तो इस सब बातों में बिल्कुल भी अपना टाइम और दोनों चीजें, अपना टाइम भी वेस्ट करते हैं आप अपना सब कुछ, तो इस वजह से जो है। और जैसे इसमें सारा चीज, प्लेसेंटा किस साइड है, ठीक है, मेरा पोस्टियर था जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंटीरियर होता है, पोस्टियर होता है, ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो ये सेकेंड पूरा चीज, मतलब सारा चीज निकल के आता। और फिर उसके बाद मेरे 2 अल्ट्रासाउंड हुए थे, इसलिए क्योंकि फिर आफ्टर 7 मंथ मुझे आफ्टर 6 मंथ मुझे बताया था ना आपको कि मेरा इम्यूनिटी फ्लूड की जो मात्रा है वो कम हो गई थी, तो मुझे बेबी मूवमेंट थोड़ा कम फील होने लगा था, तो मेरी जो है लगातार 7वें और 8वें महीने में मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था। फिर 9वें महीने में क्या हुआ था, बेबी ने अपने एक नाल फंसा रखी थी गले में, ठीक है, लेकिन जब फिर से हमारा टेस्ट हुआ था तो उसमें क्या था कि बच्चे ने सिर्फ एक ही बार नाल फंसा रखी थी, तो इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। अगर वो कई राउंड में होता है तो ऑपरेशन ही होता है, तब नॉर्मल डिलीवरी का कोई चांस नहीं बनता है, ठीक है, क्योंकि ये बच्चे के लिए बहुत जरूरी होता है कि उसके लिए नॉर्मल डिलीवरी रिस्क वाली बात होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज तो ये थी। उसके बाद आपको क्वाड्रपलर टेस्ट होता है जिसके बारे में मैंने अभी आपसे बात किया था, 3000 या 4000 डिपेंड करता है कि हम किस सिटी में है, उसके अकॉर्डिंग ही जो है पैसे लगते हैं, ठीक है। तो ये एक टेस्ट होता है स्पेशली मेंटल, यानी बच्चों का जो है माइंड कितना वर्क कर रहा है, पूरा नॉर्मल है नहीं नॉर्मल है। कभी कभी देखा होगा आपने बच्चे, आपको दिखते होंगे ऐसे बच्चे जो जन्म से ही एक्टिव नहीं होते हैं, उनका जो माइंड है वो पूरी तरीके से वर्क नहीं करता है। बेसिकली ये जो टेस्ट है वो इसीलिए है, अगर आप ये टेस्ट करा लेते हैं तो आपको पहले से ही पता लग जाता है कि आपके बच्चे का जो माइंड है वो नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता लग जाएंगी टेस्ट के दौरान, ठीक है। उसके बाद आपके कम से कम 3 बार आपके CBC टेस्ट होंगे जिसमें आपको ये चीज पता लगेगी कि आपको कैल्शियम की कमी तो नहीं है, इसके साथ आपको कहीं किसी तरीके की और कमी तो नहीं है, मल्टी विटामिन की कोई कमी नहीं है, क्योंकि हेल्दी जो है प्रेगनेंसी वो आपको इसके लिए जरूरी है कि उस दौरान आपकी सारी चीजें प्रॉपर हो और कहीं किसी चीज की कमी और तो नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपका जो BP होता है वो हर जितनी बार आपको डॉक्टर बुलाएगा उतनी बार टेस्ट करेगा, और इस दौरान शुगर के चांसेस भी थोड़ा बहुत बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि, लेकिन वो प्रेगनेंसी के दौरान के शुगर बढ़ते हैं, ज्यादा आपको प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती, लेकिन इस दौरान बढ़ते हैं,
इसीलिए डॉक्टर थोड़ा सा शुगर अवॉइड करते हैं कि इस दौरान बहुत ज्यादा शुगर मत लीजिए आप, क्योंकि अगर इस दौरान थोड़ा सा शुगर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी में जब आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाएंगे तो बीपी और शुगर इस पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपका शुगर लेवल उस दौरान भी बढ़ा होगा, बीपी भी बढ़ा होगा, तो आपका जो है वो ऑपरेशन में भी वेट करेंगे जब तक आपका नॉर्मल होगा, और नॉर्मल तो करते ही नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप देख लीजिए कि आपको, इसीलिए मैंने आपको हर वीडियो में बताया कि आपको खुश रहना है, अच्छी चीजें अपने चारों तरफ पॉजिटिव लानी, मतलब जो चीजें सुनी आप पॉजिटिव सोचिए, निगेटिव कुछ भी मत सोचिए। कुछ ऐसे वीडियोस इधर उधर के देख करके बिल्कुल अपना माइंड मत बनाइए, क्योंकि एक डॉक्टर जो आपसे कहता है सिर्फ उससे सुनिए। और एक जो होता है ना कि हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि हाँ ऐसे से ऐसे होता है, और लेकिन जो डॉक्टर आपका बताता है वो बहुत ही अलग होता है। आप देखिए उनका जो एक्सपीरियंस होता है, कुछ चीजें जो आप अपने डॉक्टर से खुल के बात नहीं कर सकती हैं, लेकिन मैंने अपने डॉक्टर से सारी तरीके से खुल के बात करी है हर तरीके से, तो आप भी करिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बेनिफिट होगा, डॉक्टर का इसमें कोई लॉस नहीं, वो तो उसको फीस लेनी है फीस ले लेंगे बस हो गया। और अगर आपने कुछ छुपाया है उनसे, कुछ चीजें हैं जो आप डर रहे हैं उनसे डिस्कस करने में, कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत पर्सनल हैं जो आप उनसे नहीं करना चाहते हैं, तो मैं आपको सिर्फ अपने तरीके से एक ही एडवाइस दूंगी कि आप उनसे हर बात करिए, क्योंकि हर बात आप उनसे शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके मन में होते हैं। तो मैं आपको सिर्फ अपने तरीके से एक ही एडवाइस दूंगी कि आप उनसे हर बात करिए, क्योंकि हर बात आप उनसे शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके मन में वो चीज लग रही हो कि वो छोटी सी बात है, चलो ये तो सबको होता है, किसी बड़े बुजुर्ग की बात सुनकर के अरे मुझे भी ऐसा होता था, आपको होता था वो अलग चीज है, हर किसी की बॉडी अलग होती है। इस दौरान फिर डॉक्टर भी आपसे ये बोलेगा कि आपने मेरे से ये छुपाया था इसलिए आपको इतना बड़े रिस्क का सामना करना पड़ा है, इसलिए अपने डॉक्टर से सारी खुल के बातें करिए, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बेबी की हार्ट बीट दिखाई है आज मैंने, तो जो है आप बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं कि अल्ट्रासाउंड में ही पता होता है कि लड़के होंगे या लड़कियां होंगी या क्या होगा जो है, लेकिन आप लोग पढ़े लिखे हैं, मतलब मुझे तो सिर्फ इस चीज का और लगता है कि पढ़े लिखे होकर के आपको पता है मेरी उस जो वीडियो मैंने बनाया था पोस्टियर एंटीयर में, उसमें मैंने यही चीज बताई आपको कि ये सब कुछ नहीं होता है। मेरे खुद के ब्रदर को जो है, जो मतलब मेरी जो भाभी थी उनको भी इंटीरियर था, बट उनको भी बेबी बॉय हुआ और मेरा पोस्टीरियर था, मुझे बेबी बॉय हुआ, ठीक है। और लेकिन आप लोग ऐसे क्यों सोच लेते हैं कि वो वीडियो मैंने लड़का लड़की के ऊपर बनाया, आपने इतने सारे कमेंट किए बिना वीडियो देखे ही कमेंट कर दिया आप लोगों ने कि क्या बोलते हैं आपने लड़का लड़की के ऊपर वीडियो बनाया, ऐसे बनाया वैसे बनाया, ऐसा कुछ नहीं फ्रेंड्स। उसमें मैंने मेरे दो वीडियो आप जाकर देख लीजिए, दोनों मिथ के ऊपर है कि मैंने यही चीज बताई कि क्या सही है क्या नहीं। एक वीडियो मैंने अपना खुद का एक्सपीरियंस बताया क्योंकि आप लोगों ने पूछा था, दूसरे वीडियो में मैंने यही चीज बताई आपको कि एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को देख के एक डॉक्टर भी नहीं बता सकता है कि आपको बेबी बॉय होने वाला है बेबी गर्ल होने वाला है, तो आप लोग इस तरीके में बिल्कुल भ्रम में मत रहिए, ठीक है। और इधर उधर की वीडियोस देख के अपने माइंड को डाइवर्ट मत करिए, दोनों बच्चे इक्वल होते हैं आज के टाइम पे, तो दोनों बच्चे इक्वल हैं। और जैसे मैं हूं, अगर मुझे मुझे बेबी बॉय हुआ है तो मुझे नेक्स्ट टाइम यही मेरी कोशिश रहेगी कि मुझे बेबी गर्ल लो, क्योंकि अगर आपके पास एक लड़की भी नहीं है तो कहीं ना कहीं आपका जो जीवन है वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं होगा, मुझे ये पूरा भरोसा है, क्योंकि जो एक बेटी आपके लिए कर सकती है वो कहीं ना कहीं एक बेटा भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मैं आपको बता दूं, ऐसे भ्रम में बिल्कुल मत रहिए, दोनों बच्चे इक्वल हैं। अपना एक्सपीरियंस पूछा था इसलिए मैंने बताया था, इसलिए वीडियो पूरा देखिए, उसके बाद ही आप किसी को गलत या कुछ उल्टा सीधा आप लिखा करिए, क्योंकि बहुत दुख होता है एक बंदे को अगर किसी ने आपको अच्छी जानकारी दी हो और आप उसके लिए गलत कमेंट करते हैं तो बहुत दुख होता है, ठीक है। तो ये सारे टेस्ट जो मैंने अभी आपको बताए हैं, कॉर्डप्लर का टेस्ट, माइंड का ये टेस्ट जरूर करा लीजिएगा, अगर डॉक्टर आपको बोलता है, नहीं भी बोलता है तो डॉक्टर से एक बार आप कंसल्ट कर लीजिएगा कि क्या मैं ये टेस्ट करा लूं, ठीक है। और जैसे कभी कभी होता है ना कि बच्चों की हार्ट बीट स्टार्टिंग में थोड़ी लेट आती है, ठीक है, तो उसमें परेशान मत होइएगा, डॉक्टर आपको बताएगा कि अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आप 15 दिन बाद एक बार आप फिर से कर लीजिए, ठीक है। और बेस्ट विशेस अगर कोई प्रेग्नेंट है तो, और उसके जो है हेल्दी प्रेगनेंसी हो मेरी तरफ से। और कोई और प्रॉब्लम जो है हो उसके पहले मैं आपको सारा चीज बताऊंगी। और जो 8-7 मंथ के 6 मंथ के आसपास होता है उसमें प्रॉपर बच्चा तैयार हो जाता है। आप देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप जो है हेलोफाई ऐप डाउन कर लीजिए, हेलोफाई ऐप में आपको सारी चीजें मिलेंगी कि आपके बच्चे का क्या ग्रोथ हो रहा है, क्या बन रहा है, क्या खाना चाहिए आपको, क्योंकि आप पता है मेडिसिन तो खाने, आप देखो आपको मेडिसिन अगर कोई डॉक्टर दे तो आप उसे खाने के लिए
इधर रेडी हो जाते हो, लेकिन अगर आपको वहीं पे फ्रूट्स वगैरह खाने हो इधर उधर, कहीं ना कहीं जैसे मैंने खुद करा था अपने लाइफ में, मैंने बताया था ना आपको कि मैं बहुत ज्यादा लेजी हो गई थी, पानी कम पीती थी, वाटर वाली चीजें कम यूज करती थी, इस वजह से मुझे जो मेरा इम्यूनिटी फ्लूड है वो कम हो गया था, ठीक है। बाद में मैंने किया, देखिए नेचुरल पूरा हो गया, मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी और जो है डिप वगैरह चढ़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो कहीं ना कहीं हम ही जिम्मेदार होते हैं कुछ किसी चीजों के लिए। तो फ्रेंड्स वीडियो बड़ा हो जाएगा, किसी और टेस्ट के बारे में आपको पूछना हो जो आपको अलग से कराया हो डॉक्टर ने, मुझे नहीं कराया हो, तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। और अगर कोई और प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस करिएगा, मैं आपको उस भी प्रॉब्लम का पूरा सोल्यूशन बताऊंगी अपने वीडियो में, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।